नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता एसीबी अपडेट से। दोस्तों आज हमारी जो संस्था है, जो हमारा परिवार है श्री श्याम सेवा परिवार मंडावली, उसकी तरफ से एक बस का आयोजन किया गया है जो कि मेहंदीपुर बालाजी और केला देवी जा रही है। तो अभी रात के 11:30 बजे हुए हैं। मैं और मेरे साथ लगभग 60 लोग जो कि जा रहे हैं श्री बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी जो कि राजस्थान में स्थित है। उसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ से अप्रोक्स 80 किलोमीटर दूर है जो कि केला देवी माता का मंदिर है, तो वहाँ पे हम जाएंगे। तो मेरे साथ मेरे मित्रगण हैं। रात है काफ़ी, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है दिखाने में, बट दिन में मैं आपको दिखाता हूँ पूरा ब्लॉग। बने रहिए आगे तक, बहुत मज़ा आने वाला है और कुछ नया सीखने को मिलेगा। आखिर बालाजी की इतनी महत्वता क्यों है? तो मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर श्याम की जय। हरे के सहारे की जय। योगी राम को जी से बता दो, पीछे भी है बाल बाला जी जय। बाल बाला जी महाराज की जय। अकेला भैया की जय। तो आगे चल कर हम वृंदावन के पास जो सेवा ढाबा पड़ता है वहाँ पे चल के सभी जो श्याम प्रेमी हैं वो चाय ले रहे हैं। ये हमारे भाई लोग सभी खड़े हैं। राधे राधे, जय श्री राधे की जय। टिल्लू भैया हमारे सचिन। टिल्लू भैया की आज डायबिटीज तो कंट्रोल में है, लेकिन थोड़े से नाराज लग रहे हैं। नाराज हो क्या आप? बिल्कुल नहीं, ग्यारहवीं की कृपा बरस रही है। जय हो, जय हो, खूब आनंद ले रहे हैं। जय हो। कुछ कहना चाहते हैं पंडित जी? कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो बस यही कहना चाहिए हमारा मंत्र सस्ते न इंदो वरद विश्वाहा, सस्ते न गंगा विश्ववेदा, सस्ते स्तार चोष्णेमी, सस्ते नो बृहस्पति दधातु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। सब लोग सुखी रहे और हमारी यात्रा को मंगलमय हो, यही हमसे भगवान से मनोकामना है कामना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर नरेश की जय हो। ये बड़े भैया हमारे संजीव भैया, कुछ बोलना चाहते हैं सभी से? ये तो आप लोगों का पहली यात्रा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग घर में भी इस तरह का कार्यक्रम रखिए, हम लोग और भी आनंद आए। ये हमारे उप प्रधान जी हैं फर्म के। सभी भक्तों पर श्यामा भाई कृपा रहे, बालाजी महाराज की कृपा रहे। हम यही कामना करते हैं सब सुख शांति से यात्रा हो, संपन्न हो, सब अपने बाबा का आशीर्वाद प्राप्त। जय श्री श्याम। तो इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए अभी सभी यात्री अपने बस में प्रस्थान कर रहे हैं। इतना करने के बाद भी अतिक्रमण जो हो रहा है वो अच्छा नहीं। चलो भैया बस में चलो सभी लोग। अभी तो खाना खा रहे हैं। ये हमारा छोटा भाई सानू अपने लिए राधा रानी ढूंढ रहा है। प्रधान जी, प्रधान जी, ये हमारे प्रधान जी हैं श्री श्याम सेवा परिवार के, कुछ बोलना चाहते हैं? हम आज बस लेके जा रहे हैं केला देवी और मेहंदीपुर बालाजी, सभी लोगों के साथ जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। एक्चुअली क्या है ना, ड्राइवर साहब खाना खा रहे हैं, तो हमारे दिलीप शर्मा जी ने सोचा कि एक बार कबड्डी खेल ली जाए, तो ये कुछ अलग ही हो गया, ये कुछ अलग ही हो गया। तो श्री श्याम सेवा परिवार के सभी सदस्य काफी एंजॉय कर रहे हैं। पंडित जी आपकी गाड़ी भैया लाइन पे था, गाड़ी का एक पता नहीं कहाँ चला, अरे
बोलो तो। अरे खेल ही नहीं रहे। मैं तो लग रही हूँ। ये क्या बात है? तीनों आउट हो गए। यात्रा मंत्री जी आउट हो गए। तो दिलीप शर्मा टीम से अब जा रहे हैं अभय गुप्ता और बम्पू। और आ गया ना बम्पू का। बम्पू तो देख लो हो गया काम। बम्पू अब सानू शर्मा अपनी छलांग लगाते हुए यहाँ से प्रशांत गुप्ता ये बहुत जोश में भरे हुए हैं और इन्होंने अमित गुप्ता जी को आउट कर दिया। नहीं नहीं अबे डायरेक्ट आप बार बार नहीं जा सकते हो। इधर से दीपक भैया को भेजो। ये आकाश ज्वेलर्स इतना डरते हैं आगे नहीं बढ़ रही है। देखो भैया दो बार आउट हो गए। ये गुप्ता जी फाइनेंस मिनिस्टर लेकिन उन्होंने ज्यादा कोशिश नहीं करी। ये प्रशांत गुप्ता दोबारा इनको लगता है इनको टांगे तोड़वानी अपनी। अब सुबह के 7:30 बज रहे हैं तो हम लोग धर्मशाला से निकल के बालाजी महाराज के दरबार में जा रहे हैं। तो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है मंदिर। तो सभी भक्तगण जो भी हमारे श्री श्याम सेवा परिवार से जो भी सदस्य लोग आए हुए थे सभी लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पूरा इस मंदिर के बारे में। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ की अलग ही परंपरा है। ये सिद्धपीठ है। यहाँ पे जो बालाजी महाराज हैं उनकी कहानी भी बताऊंगा। यहाँ के लोकल लोग होंगे उनसे पूछ के अगर वो बताना चाहेंगे तो। लेकिन जो जहाँ तक मुझे लगेगा कि जो मैं दर्शा सकता हूँ वो सारे चित्र और कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं और मेरे बड़े भाई संतोष भाई जी साथ चल रहे हैं। मेरा बेटा इनके ऊपर है सब मौज ले रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे मंदिर की तरफ। बाबा के दरबार में एक बार हाजिरी लगाते हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। संतोष जी आज कहाँ आए हो? हम आए बालाजी महाराज के दरबार। किसके साथ आए हो? अपने श्याम परिवार के साथ। बहुत बढ़िया। आगे बढ़कर जो कि मेहंदीपुर धाम है वहाँ की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे साथ ये मेरी पूरा श्याम परिवार है जो कि आगे साथ चल रहा है। बड़े भाई अमित शुक्ला जी हमारा बाबा का झंडा लेके आगे चल रहे हैं। तो ये पूरा नगर है एक जो कि मेहंदीपुर धाम के नाम से जाना जाता है वो राजस्थान में स्थित है जो कि दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। यहाँ पे काफी मान्यता है बाबा की यहाँ पे चमत्कार आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ बाबा में कितनी सत्यता है। बाबा महत्वपूर्ण इंसान के लिए। अब हम मंदिर के काफी नजदीक आ चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं इस समय संडे है और
बाबा के दरबार में भक्तों का तावड़ लगा हुआ है, काफी भीड़ है यहाँ पे जो कि बाबा के दर्शन करने के आए हुए हैं। आज रविवार का दिन है, हम मंदिर के बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। यहाँ पे पुलिस बैरिकेडिंग है जहाँ से कि लाइन लगती है। और ये प्रसाद की कुछ दुकानें हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे श्याम परिवार के लोग, एक दो तीन चार, बाकी सभी लोग आगे चल रहे हैं, लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। दर्शन स्टार्ट हो चुके हैं तो सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्रचंड भीड़ है बाबा के दरबार में, अद्भुत नजारा है। शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो बाबा को ना मानता हो। ये मेहंदीपुर धाम है, यहाँ श्री बालाजी महाराज बाल रूप में है। ये देखिए मंदिर काफी अद्भुत बना हुआ है, काफी चेंजेस किए गए हैं। ये टोटल भीड़ बाबा के दरबार से दर्शन करने जा रही है और आ रही है। ये यहाँ पे सवामणि का प्रसाद वगैरह मिलता है, तो ये सभी लोग एकत्रित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो भक्त बिल्कुल मग्न है बाबा की शरण में जाने को। बोलो बालाजी महाराज की जय। भीड़ है लगभग 1 से 2 लाख भक्तगण आए हुए हैं। हम मंदिर प्रांगण से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पे हैं। बालाजी महाराज की जय। भक्तों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और इस मंदिर में अपना एक अलग ही रोचक इतिहास रहा है। आपको बता दूं, कुछ विद्वान
लोग बताते हैं कि जब हनुमान बाबा छोटे थे और उन्होंने सूर्य को अपने मुख में ग्रहण कर लिया था, तो उसके पश्चात इंद्र ने जब वज्र से उन पर प्रहार किया था तो बालाजी महाराज उस समय पृथ्वी पर आके गिरे थे। तो जिस शिला पे आके बालाजी महाराज गिरे थे उस शिला को ही मेहंदीपुर बालाजी की शिला कहा जाता है। इसके पश्चात आपको मैं ये बता दूं कि जो पूर्वज थे, जो महंत जी थे, वो बालाजी महाराज की काफ़ी पूजा करा करते थे। तो एक बार जब महंत जी सोए हुए थे तब उनके सपनों में बालाजी महाराज आए और उन्होंने बोला कि आप मेरी सेवा करें, मैं कलयुग में भक्तों का कल्याण करूंगा। उसके बाद जब महंत जी सुबह सोकर उठे तो उन्होंने ये कहानी अपने आसपास के लोगों को बताई। उसके बाद जिस जगह का भगवान ने सपना दिया था उस जगह जाके महंत जी ने साफ सफाई करी, खुदाई करी, तो वहाँ पे भगवान बालाजी की मूर्ति दिखाई दी। उस जगह ही यह मंदिर बना दिया गया है। उस समय यहाँ पे काफ़ी जंगल हुआ करता था तो आसपास में लोग भी नहीं रहते थे, लेकिन उसके बाद दिन पे दिन बाबा की महिमा बढ़ती गई और गुणगान होता रहा। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बालाजी महाराज की जो प्रतिमा है वो कोई बनाई हुई प्रतिमा नहीं है, बल्कि एक साक्षात रूप से प्रकट की गई प्रतिमा है। यहाँ पे जिन लोगों को परेशानी है, भूत प्रेत बाधा, तो यहाँ आने के पश्चात सभी संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ पे प्रेतराज सरकार की गद्दी लगती है, उसके बाद भैरव बाबा का मंदिर है, तो जिन पे भी जो भी संकट होता है तो बाबा उनका संकट हर लेते हैं और उसके बाद में वह अपनी ज़िंदगी में कुशल पूर्वक रहते हैं। तो बालाजी महाराज की असीम अनुकंपा सब पर बनी रहे, यही आशा करते हैं, यही हम आशा करते हैं कि हमारा श्याम परिवार भी बालाजी बाबा के आशीर्वाद से ऐसे ही चलता रहे। तो यह बालाजी बाबा का इतिहास था। एक बात और, यह मंदिर है लगभग 1000 साल पुराना। यहाँ पे जो महंत जी हैं वही सेवा कर रहे हैं, जो उनका ही परिवार यहाँ पे सेवा कर रहा है। इससे आगे चलकर एक यहाँ पे समाधि वाले बाबा का मंदिर है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि इस समय वो मंदिर बंद है क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है। तो जो पुराने महंत जी थे जिनको सपना दिया था उनकी वहाँ पे समाधि है। तो जय बालाजी महाराज। दर्शन करने के बाद अब मंदिर से बाहर निकलते हुए, काफ़ी भीड़ थी इस वजह से मैं दर्शन नहीं ले पाया, क्योंकि अत्यधिक बाबा के भक्तों का वहाँ पे प्रचंड भीड़ लगी हुई थी। तो अब हम लोग बाहर निकल गए।